ऑलराइट है गाइस एंड व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर फोर्थ के और सेमेस्टर सिक्स के बच्चों के। भाई भर भर के कमेंट आ रहे थे कि रिजल्ट कब आने वाले हैं, ठीक है। और ये बार बार मेरे को टेलीग्राम पे भी और मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज और कॉल करके बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि सेमेस्टर फोर्थ के और सेमेस्टर सिक्स के फाइनली रिजल्ट्स कब डिक्लेयर्ड हो रहे हैं, कोई जल्दी से इन्फॉर्मेशन बता दो। तो आज हम लोग यही डिस्कशन करने वाले हैं कि सेमेस्टर फोर्थ और सेमेस्टर सिक्स के जो रिजल्ट हैं वो कब तक डिक्लेयर होने वाले हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो, ताकि एसएल के रिगार्डिंग सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन साथ तक पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में, अभी जो मंथ चल रहा है, इससे पिछले मंथ ही आप लोगों के एग्जाम खत्म हुए हैं पूरी तरह, ठीक है। जिसमें ऑनर्स कोर्सेज के जो एग्जाम थे वो तो एंड तक चले थे, मतलब कहने का है कि पूरा मंथ ओवरऑल वो ले चुके थे, ठीक है। तो आप लोगों के रिजल्ट जो है इसके ऊपर कोई भी एक्सपेक्टेड डेट बताना या फिर कोई भी ऐसी चीज बताना, एक्सपेक्टेड डेट वगैरह, या फिर कोई मैं ऐसा फ्यूचर डेट बता दूं कि इस पे आपके रिजल्ट आ जाएंगे, तो वो सारी चीजें गलत होगी, ठीक है। बट आप लोग बार बार पूछ रहे हो, कुछ तो अप्रोक्सीमेट अंदाजा, कुछ तो क्लू बता दो कि आप लोगों के रिजल्ट कब आ रहे हैं। तो भाई फाइनली सुन लो, रिजल्ट जो है वो 3 महीने के बाद आएंगे। एग्जाम खत्म हो गए, अब एग्जाम खत्म हुए हैं जिस भी मंथ में उसके 3 मंथ आगे जोड़ लो अपना, ठीक है। एक्सपेक्टेड नहीं है, कंफर्म नहीं है, कोई फ्यूचर डेट मेरे को नहीं पता, बट जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता मैं आपको क्लियरली ये नहीं बोल सकता कि सेमेस्टर फोर्थ के या सेमेस्टर सिक्स के रिजल्ट जो है वो इस डेट को, पर्टिकुलर डेट को आने वाले हैं। तो बस अभी इतना सोच लो कि जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं सेमेस्टर फोर्थ के जिन्होंने अभी लास्ट मंथ में अपने एग्जाम कंप्लीट किए हैं, तो उनके जो रिजल्ट हैं वो जैसे अभी चल रहा है 6ठा महीना है, अभी जून चल रहा है जैसे, तो जुलाई अगस्त, तो ये मान लो अगस्त के एंड में आप लोगों के रिजल्ट देखने को आपको मिल जाएंगे। सितंबर के फर्स्ट वीक से, सितंबर के फर्स्ट वीक से पहले तो बीए प्रोग्राम के बिल्कुल नहीं देखेंगे, ठीक है। और अब जो बात कर रहे हैं काफी सारे बच्चे 6 सेमेस्टर के लिए, तो 6 सेमेस्टर के भी फाइनली जो रिजल्ट है वो सितंबर फर्स्ट वीक में ही डिक्लेयर होंगे, ये मेरा एक्सपेक्टेड है जो आप बार बार पूछ रहे हो, ठीक है। तो फोर्थ और 6 सेमेस्टर के रिजल्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया कब आपके आने वाले हैं। अब मैं उन बच्चों को क्लियर कर दूं, अगर किसी का ईआर है, कोई भी फेल वगैरह है, कोई कंपार्टमेंट या फिर कोई बैक या कोई भी इशू की वजह से पेपर छूटा है, तो गाइज एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी अगर बैक पेपर छूटा हुआ है तो सेमेस्टर वन का या सेमेस्टर थर्ड का पेपर कोई भी बैक छूटा है किसी कारण से, तो वो सेमेस्टर 5 दिसंबर में होगा। सेमेस्टर सेकेंड का या सेमेस्टर फोर्थ का कोई बैक पेपर छूटा है या एक्स स्टूडेंट हो 6 सेमेस्टर का कोई एग्जाम छूटा है, तो वो डायरेक्ट आपका नेक्स्ट ईयर 6 सेमेस्टर के साथ लिया जाएगा, ठीक है। अब आपको सारी चीजें कंफर्म हो गई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, सी यू, टाटा बाय बाय एंड लेटर एंड लव यू ऑल बाय। और हाँ एक चीज और, अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो भाई मिनट पर फोन मत करा करो, मैसेज करा करो, नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, मैसेज करो, मैसेज का रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल बाय।